नमस्कार, संगीतास किचन में आपका स्वागत है। तो आज बच्चों की डिमांड पे मैं बनाने जा रही हूँ ये मैगी चीजी। और इसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं ले रही हूँ बहुत सारा सामान। इसके लिए मैंने लिया है बारीक कटी हुई प्याज, टमाटर, मटर, लहसुन, स्प्रिंग अनियंस, हरा धनिया, और ये मेरी थोड़ी सी कैप्सिकम है, और ये मैं ले रही हूँ दो टाइप की चीज। तो बच्चों के लिए बना रहे हैं तो उनको पैम्पर करना तो बनता है। तो चलिए प्रोसेस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं डालूंगी इसके अंदर प्याज। मैगी तो आपको पता ही है बच्चों का फेवरेट होता ही है, पर मैं इसको थोड़ा सा कलरफुल और चीजी बनाऊंगी तो बच्चों के लिए बहुत ही बढ़िया होगा। और साथ में मैं चाहती हूँ कि बच्चे थोड़ी सी वेजी को भी यूज करें, वो खाएं, तो उनके लिए न्यूट्रिशियस भी होना चाहिए। तो चलिए मैगी बनाते बनाते बच्चों के लिए कुछ न्यूट्रिशियस भी करते हैं। तो इस प्याज के अंदर मैं डालूंगी थोड़ा सा गार्लिक। गार्लिक से स्वाद बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। और थोड़ा सा ये सौटे हो रहा है जब तक मैं डाल दूंगी ये मेरी कैप्सिकम ग्रीन, और मैं डालूंगी इसके अंदर थोड़ी सी ये स्प्रिंग अनियन। इससे भी बहुत ही अच्छा बच्चों को टेस्ट भी आएगा, और थोड़ा सा ये वेजी इंट्रोडक्शन से हमारा खाना न्यूट्रिशियस भी हो जाएगा। और इसी टाइम पे मैं डाल दूंगी इसके अंदर थोड़ी सी ये मटर। ये मटर मेरी फ्रोजन है इसलिए मैंने डायरेक्ट डाल दी। अगर आप फ्रेश मटर ले रहे हैं तो थोड़ा सा इसको आपको माइक्रोवेव में स्टीम करना पड़ेगा जल्दी गलने के लिए। तो बस मिलते हैं थोड़ी देर में। और देखिए अब मैं डाल दूंगी इसके अंदर टमाटर। तो थोड़ी देर ये सारी चीज़ें मेरी जितनी भी वेजी हैं ये फ्राई भी होंगी, और थोड़ा सा मैं इसको सौटे करूंगी। और इस टाइम पे ही मैं डाल दूंगी इसके अंदर नमक, लेकिन मैं नमक ज़्यादा नहीं डालूंगी क्योंकि मैं इसके अंदर मैगी का मसाला डालूंगी जिसके अंदर ऑलरेडी होता है नमक। तो बस ये देखिए अब मैं इसको पानी डाल के थोड़ी सी देर गलने देती हूँ, और उसी में फिर मैं डाल दूंगी अपने मैगी। अब देखिए ये पानी बॉईल पे आ गया। तो इस टाइम पे तो देखिए मैं इसके अंदर ये दो पीस डाल रही हूँ, और इसको थोड़ा क्रश करके हम डाल रहे हैं क्योंकि इस तरह से नूडल्स बहुत ही बढ़िया होंगे तैयार। और इसको मैं थोड़ा प्रेस कर दूंगी पानी के अंदर, है ना बढ़िया। और अब मैं डालूंगी इसके अंदर ये मेरा मैगी का मसाला, ये थोड़ा सा और है ये भी मैं इसमें डाल देती हूँ। तो अब मैं डालूंगी इसके अंदर, ये हमारा दो सैश लिए हैं तो दो ही हम यूज करेंगे इसके अंदर। और ऑलरेडी अपना मसाला बढ़िया बना हुआ है, पर मैगी का बढ़िया टेस्ट तो उसके ही मसाले से आता है। ये आप जरूर एक बार ट्राई करिए, बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा। और ये फटाफट बनने वाला ब्रेकफास्ट कह लीजिए आप, या ऑफिस के लिए ब्रंच कह लीजिए, ये बहुत अच्छा बनेगा। तो इस तरह से मैं इसके अंदर डाल दूंगी ये मसाला, और अब हम इसको अच्छे से स्टर करेंगे।
बस हमें सिर्फ इसको स्टर करना है जब तक हमारी ये मैगी होती है प्रिपेयर। और मैं इसको बहुत ज़्यादा ग्रेवी के साथ नहीं रखूँगी, लेकिन थोड़ी हल्की सी ग्रेवी ज़रूर रखूँगी, क्योंकि जब तक मैं इसको सर्व करूँगी ये नूडल्स उस ग्रेवी को आराम से सोक कर लेते हैं। तो इस टाइम पे मैं इसके अंदर डालूँगी थोड़ी सी ये मोज़रेला चीज़। तो ये क्योंकि आज हमारा चीज़ी मैगी है तो नेचुरली हमें चीज़ तो ज़्यादा डालनी ही पड़ेगी। ये देखिए इसी के अंदर ये मेल्ट हो जाएगी चीज़, और थोड़ी सी चीज़ में ये पानी कम होने पे वापस डालूँगी। अब मैं इसके अंदर डालूँगी थोड़ी सी ये अमूल की चीज़ स्लाइसेस इस तरह से। आप देखिए चीज़ आप अपने हिसाब से डालिए, पर जितना आप पेम्पर करेंगे उतना ही बढ़िया ये टेस्ट आएगा। और इस टाइम पे ही मैं डाल दूंगी इसके अंदर धनिया पत्ती कुछ इस तरह से, और बस अब मैं डालूंगी इसके अंदर थोड़ी सी मोज़रेला चीज़। और अब देखिए ये मेरी मैगी हो गई बिल्कुल तैयार। अब इसके अंदर बिल्कुल नहीं है ग्रेवी, तो मैं क्या करूँगी, मैं गैस को करूँगी बंद और मैं डाल दूँगी ये श्रेडेड चीज़ इसके अंदर। ये देखिए आ रहा है ना मुंह में पानी, तो ये रेसिपी ही ऐसी है, इसको कोई मना नहीं कर सकता। और अब मैं इसको ढक दूंगी ताकि ये इसी स्टीम में हमारी चीज़ हो जाए मेल्ट। अब देखिए वाओ क्या बढ़िया चीज़ी मैगी हुई है तैयार। आप देख सकते हैं कितनी चीज़ी, वाओ है ना बढ़िया, इसको कौन रेजिस्ट कर सकता है। तो चलिए इस चीज़ी मैगी का आनंद लेते हैं, और मैं करती हूँ इसकी प्लेटिंग की तैयारी। तो आप इस चीज़ी मैगी को एंजॉय करिए, और देखिए आप देख सकते हैं ना कितनी बढ़िया, माउथ वाटरिंग डिश एंड सो क्विक टू मेक। ओहो, तो आज बच्चों को ये खिलाइए और मुझे बताइए आपको ये चीज़ी मैगी कैसी लगी। Thanks for watching my video. Do like and subscribe if you love such instant recipes.